हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रॉयड 101। ये हमारा 30 ट्यूटोरियल है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपनी नई ऐप की। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरह की हम ऐप डेवलप करना चाहते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, और मेरा एंड्रॉयड का वर्ज़न 3.5 है। हो सकता है आपका कोई दूसरा वर्ज़न हो और कुछ स्टेप उसमें अलग करने हों, लेकिन कोड हमारा बिल्कुल ही सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी, इसे नेक्स्ट करूँगा। और इसके बाद मैं इसे कोई भी नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पर देता हूँ इसे कसिनो एंड्रॉयड ऐप। इस तरीके से मैंने इसे नेम दे दिया, कसिनो एंड्रॉयड ऐप। और यहाँ पर आप पैकेज का नेम कोई भी दे सकते हैं और इसकी लोकेशन रख सकते हैं, हमारा सी ड्राइव में है। उसके बाद देखिए, लैंग्वेज में पूछेगा जावा और कॉटलिन। देखिए, कॉटलिन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है आपका एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए, और ये काफ़ी तेज़ी से बहुत ज़्यादा फेमस हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, कॉटलिन के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप कॉटलिन को सर्च कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन से या तो आप आई साइन से इस पर जा सकते हैं और इसे ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। अब देखिए, हम अभी तो कॉटलिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं जावा का, तो हम लोग जावा का यूज़ करेंगे। और फिर एंड्रॉयड यहाँ पर आप कोई सा ही वर्जन ले सकते हैं लेने को, लेकिन हम पुराना लेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कवर कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, 95.9 ऑफ द डिवाइस यहाँ पर ये हमें कवर करके दे रहा है, तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम फिनिश कर लेंगे यहाँ पर, और कुछ ही देर में हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ जाएगा। और उसके बाद सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसको थीम को चेंज करें। आपको बताएं कि किस तरह की, जब आप थीम चुनते हैं तो उस तरह की थीम में आपको बटन किस तरह के मिलेंगे, लेआउट किस तरह का मिलेगा, वो हम यूज़ करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ करना ही है, आपको जो कसिनो एंड्रॉयड एसेट्स हैं जिसमें आपके इसकी ग्राफिक्स हैं, वो आपको हमारे गूगल ड्राइव से डाउनलोड करने पड़ेंगे, जिसका लिंक अभी भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सिर्फ डालना है और यहाँ पर इसे डाउनलोड करना है, और आपकी एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, फिर उसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो आइए पहले, सबसे पहले थीम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, इसे हम कर लेते हैं मिनिमाइज और अपनी ऐप को खोलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा चेंजेस आपको दिखाई दे रहा होगा प्रीवियस वीडियो से, क्योंकि हमारा बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन हमने कर लिया है डाउनलोड यहाँ पर। और ड्रॉबल फोल्डर के अंदर हमारे दो आई सी लॉन्चर्स हैं जिनको हम चेंज करेंगे। लेआउट है हमारा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। इसका डिज़ाइन पार्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। हो सकता है आपका डिज़ाइन पार्ट थोड़ा अलग दिखाई दे, क्योंकि हर एक वर्जन के साथ इसका डिज़ाइन पार्ट थोड़ा अलग दिखाई देता है। और वैल्यूज़ में, जैसे आपको पता है, हम लोग कलर, स्ट्रिंग और स्टाइल्स को रखते हैं। अब हमें थीम चेंज करनी है, तो थीम चेंज करने के लिए हम जाएंगे टूल्स में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें थीम एडिटर नेम से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जो कि पहले वाले एंड्रॉयड स्टूडियो वाले वर्जन में मिला करता था। अगर आपके पास पुराने वर्जन होंगे 2.5 या 2.3, तो उसमें आपको यहाँ पर थीम एडिटर मिलेगा, लेकिन वो चीज़ नए एंड्रॉयड स्टूडियो में हटा दी गई है, जो कि आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। पहले वाले वर्जन में मिलती थी, पता नहीं इन लोगों ने क्यों हटाई है, ये बात हमें समझ में नहीं आई, लेकिन काफ़ी गलत किया है इनको हटा के। अब देखिए, हमें जो भी चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ से कोड से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नो एक्शन बार करना है मुझे, तो यहाँ पर इसे मैं नो एक्शन बार कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ लिखूँगा एन नो, और ये मुझे नो एक्शन बार ऑप्शन में दे देगा। उसके बाद अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं डार्क, प्राइमरी और एसेंट के, तो आप कलर्स में जाके कर सकते हैं। कलर्स में देखिए, कलर प्राइमरी को एक कलर असाइन किया गया है हैश कोड में, और कलर प्राइमरी डार्क को हैश कोड में कलर असाइन किया गया है, और कलर एसेंट को एक हैश कोड में कलर असाइन किया गया है। मैंने आपको पहले वाले जो रोल्स में बताया था कि कैसे आप मटेरियल डिज़ाइन की हेल्प से अपने हैक्स कोड को ले सकते हैं और उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसे बिल्कुल ऐसा ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को ये बताएंगे कि कैसे आप अपने इस कसिनो एंड्रॉयड एसेट्स का यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसमें ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर।